स्टार्ट। हेलो एवरीवन, फिर से एक अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे कि हम लोग आपको रिव्यू देंगे। और इस बार हम लोगों ने स्पेशली, यानी कि अगर आपके घर में बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और आप लोग भी ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो बेसिकली। तो ये स्पेशली कुछ मिक्स प्रोडक्ट हैं, ये भी स्पेशली जो लिटिल चमोली जी हैं उनके लिए इसमें प्रोडक्ट हम लोगों ने इस बार परचेज किए हैं। आप लोगों को बताते हैं कि जब आप लोग बड़े हो जाएंगे और जब आपके घर में नन्हे मुन्ने जब आ जाएंगे तो उनके लिए आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके बताते हैं क्या क्या हम लोगों ने लिया लिटिल चमोली जी के लिए। ये राम ने तीन ही प्रोडक्ट लेकर बेचारे के लिए, बाकी सब हमारे लिए। तो लिटिल चमोली जी के लिए बेसिकली तीन चार प्रोडक्ट हमने लिए, मिक्स प्रोडक्ट है एक्चुअली। और वो जो जो उनके लिए स्पेशली बताऊंगा कि लिटिल चमोली जी के लिए स्पेशली क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले जो लिटिल चमोली जी है उन्हीं के लिए जो प्रोडक्ट हमने लिए हैं वो आपको बताते हैं। यह है मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज, और स्पेशली लिटिल चमोली जी के लिए हमने मंगाया है। देखो इस पर कितने प्यारे प्यारे ये प्रोडक्ट हैं, बाकी कलर्स काफ़ी अच्छे होते हैं जिनकी पैकेजिंग होती है। और ये जो क्रीम है ये 60 ग्राम इसकी क्वान्टिटी है, और बच्चों की फेस के लिए तो हमेशा, यानी कि बच्चों के लिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो हमेशा ध्यान से, मतलब इतना ज़्यादा आपको इस तरह से लेने पड़ेंगे प्रोडक्ट, सारे रिव्यू चेक करके हर चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट लगाते हो कई बार फेस ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। बट ये प्रोडक्ट काफ़ी सेफ है, बच्चों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। तो ये 175 रुपीज़ की है, ठीक है, जो कि पूरे महीने भर चल जाती है उसी। ये है मामाअर्थ का प्रोडक्ट, ये भी बेबीज़ के लिए है, और बेसिकली काफ़ी सेफ प्रोडक्ट है बच्चों के लिए, और 0 to 5 years तक के बच्चों के लिए है, उससे ज़्यादा बड़े बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि कौन से एज ग्रुप के लिए आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो। तो लिटिल चमोली जी फिलहाल अभी सिर्फ 6-7 महीने के, इसलिए उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है प्रोडक्ट। आप लोग भी इसको परचेज कर सकते हो अपने बच्चों के लिए। पैकअप टू ये 379 रुपीज़ का है, मामाअर्थ का प्रोडक्ट है, तो आप लोग भी चेकआउट करना है। तो ये लिटिल चमोली जी के लिए, ठीक है। स्टार्ट। और एक और मामाअर्थ का ये साबुन है, बेसिकली ये सोप है मामाअर्थ के, जो कि लिटिल बेबीज़ के लिए हैं, 0 to 5 years तक के जो बच्चे हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के कई बार आंसू वगैरह आ जाते हैं, ये बिल्कुल टेयर्स फ्री है, और जो एक्सपर्ट्स उनकी तरफ ये टॉक्सिन फ्री भी है। ये 208 रुपीज़ का है, और 2 साबुन इसके अंदर। तो ये जो सोप है काफ़ी बढ़िया है, तो वैल्यू पैक है ये, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। और ये मतलब जितना ज़्यादा आप क्वान्टिटी में आप लोगे तो उतना सही रहता है, सही प्राइस पड़ता है इसका, ठीक है। तो मॉइस्चराइजिंग बाथरूम बारे हैं, गो फॉर इट। स्टार्ट। तो ये पैक ऑफ 5 डिटॉल के साबुन, आपको पता है यार, ये तो आप लोग जरूर यूज़ करते होंगे, जो कि आपने टीवी के एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। तो ये बिल्कुल सही ऑफर में चल रहा था, मैंने कहा चलो भाई इसको भी मंगा ही लेते हैं। तो ये पैक ऑफ 5 है कंप्लीट, और जो पैक ऑफ 5 है 203 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, तो इसके बारे में ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एंटी बैक्टीरियल सॉप होते हैं, काफ़ी अच्छे साबुन है सारे सारे, तो ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और ये निविया का फिर से हम लोगों ने मंगा लिया, जो पुराना था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये निविया का है बॉडी मिल्क लोशन, और ये काफ़ी अच्छा है, ये मैन वुमेन सबके लिए है ये, और कंप्लीट पूरी फैमिली आराम से उसको यूज़ कर सकती है। इसकी क्वांटिटी जो है ये 600 ml का है, और ये फैमिली पैक है। अगर मैं इससे छोटा लेता 199 रुपीज़ इसके थ्रू मैंने बचाए अपने, इसलिए मैंने लिया है। 351 रुपीज़ का ही पड़ा है मुझे। तो ये डीप मॉइस्चराइजर है, और आलमंड ऑयल और विटामिन ई के साथ भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी को एकदम बढ़िया स्मूथ कर देगा, तो जस्ट गो फॉर इट, ओके। तो ये हमने दोबारा से मंगा लिया, ये लास्ट टाइम भी हमने मंगाया था, इस बार जो पुराना था वो खत्म हो चुका है। तो पैंटीन का एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन है ये, और काफ़ी बढ़िया है खुशबू से लेके हर चीज़ में। और ये 1 लीटर कंप्लीट, 1 लीटर का है कंप्लीट ये, यानी कि 1000 ml का। तो ये शैम्पू कंडीशनर और हर तरह से ये आपके इस्तेमाल में ये आएगा, और बिल्कुल पूरी फैमिली के लिए, मतलब हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और ये मात्र 600 रुपये का पड़ा है, 600 रुपीज़ मात्र ओनली। तो एक और बार फिर से मैंने निविया का प्योर इम्पैक्ट जो ये शावर जेल है, जो कि बॉडी फेस और हेयर के लिए है, तो ये मैंने फिर से मंगा दिया। ये 319 रुपीज़ का है, और ये भी फिर से हम लोग इस्तेमाल में लेके आएंगे, पुराना बिल्कुल एकदम फिनिश हो चुका है। तो ये प्रोडक्ट तो सीरियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये तो मैं हर मंथ ले ही रहा हूँ ऑलमोस्ट, और ये 1 महीने में पूरा, मतलब 1 महीने तक कंप्लीट चल जाता है। ये स्कॉटिश हेल्थ केयर कंपनी बेसिकली, जो कि ग्लिसरीन इनका है, इसका काफ़ी अच्छा रिव्यू था, और ये अमेजोन के टॉप 10 प्रोडक्ट में भी है इस टाइम पे। जैसे कि आपको पता है विंटर्स चल रहे हैं, इस टाइम पे आपकी ड्राई स्किन जो कि हाथ पांव फट जाते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, उसको भी आप इसके थ्रू रोक सकते हो। तो बेसिकली आप इसको पुट ऑन करो और बिल्कुल कुछ टाइम बाद इसको वॉश कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो क्या है कि अगर आपको मतलब अपने फेस पे भी इसको आप लगा सकते हो, रात के टाइम इसको लगाओ और सो जाओ मस्त तरीके से, और सुबह के टाइम उठो और उसके बाद मूड हो, उसके बाद ऐसा चमचमाता हुआ मुँह दिखेगा ना आपका, तो आपको मतलब अच्छे एक अच्छी स्किन के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं।
ये मात्र 225 रुपीज का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग रिव्यू वीडियो। और बिल्कुल जो भी प्रोडक्ट आपको इनमें से पसंद आया आप लोग प्लीज चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बिल्कुल लिखा है, लिंक सारे दे रखे हैं, चेकआउट करो लिंक्स और जरूर इनमें से कुछ ना कुछ आप परचेस करना विंटर्स के लिए। तो विंटर्स के लिए तैयार रहो, हमारी तरह पहाड़ों में हम लोग हैं, आप लोग भी तैयार रहो। तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चेकआउट ऑल द लिंक्स जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, गो फॉर इट। थैंक यू सो मच राजीव भाई फॉर ये हमारे पीछे जो कैमरामैन थे, बिहाइंड द सीन के पीछे जो रिव्यू वीडियो बना रहे थे, ये राजीव भाई हैं जो कि अपना फेस छुपा रहे हैं इस टाइम पे क्योंकि उन्होंने ग्लिसरीन नहीं लगाया शायद इसीलिए। थैंक यू सो मच राजीव भाई फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज, जब मैं जब भी जहाँ भी कड़ी धूप में था, वहाँ पे भाई जी ने पर्दा लगाया, अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच भाई। चलो आप कुछ कह रहे थे, इनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि हम इसके बाद इनको रख देते हैं और इसके बाद हम इस पे कूड़ा वगैरह रख सकते हैं, गीला कूड़ा बिल्कुल लीक नहीं कर पाते हैं और कुछ और चीज भी हम ले जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पैकिंग, ये तो फाड़े कैसे सीधे वही, तो ये वो बनता है नर्सिंग देवता, खतरनाक हो गया रहा। देखो ये है गेहूँ यहाँ पे जिनके अंदर बहुत सारे कबाड़ है, पंखा लेके रखे यहाँ पे, साफ करेंगे हम लोग, नेचुरल हवा चलेगी एकदम बढ़िया वाली। इजी वे टू क्लीन गेहूं, यस। चलो भाई करो स्टार्ट कार्यक्रम, सर्वप्रथम उठाइए कबाड़ा वाला चीज। तू क्या कर रहा है बॉबी भाई, इस पे टाइपिंग कर ले तू पंखे में, वैसे करने बोलो तो तब नहीं पढ़ना नहीं है। वाह कम कर उसे, इतनी फुल मत कर यार, लोगों के घर जाएगा कबाड़ा है तो यार, देखा कहाँ जाएगा लोगों के घर कबाड़ा, चल चल स्पीड में। हुआ ऊपर कर दे मत से लो ना, गेहूं में कभी भी कबाड़ा यार, ये है कबाड़ा, ये रहे गेहूं, गेहूं के साथ अभी भी कबाड़ा है, ये वाला मोटा कबाड़ा साफ हो जाता है, वो नहीं होता रे भूसा, खेल कर रहे हैं, खेल नहीं करूंगा। तरीका अच्छा है रे, और तीन चल तक जला रहा है, देख कहाँ जला रहा है, पूरी जाए यहाँ सीधे नहीं है वो, ये देख साफ नहीं है, क्या बात है, साफ उठाना है, ये वाला साफ है, उसे उसे छोड़, वाला साफ है, छोड़ छत में चला गया, खेलने के लिए चाहिए हर वक्त, मैं खुद से भी कर लेती पर चला, अब वो तेज अब अगर थोड़ा सा तूने गेहूं गिरे ना तो देखो, अब बड़ा वाला कबाड़ा भी जा रहा साइड में, वही तो भाई मेरे को आता है ना, दरी दो एक, बड़ा वाला भी जाएगा, एक एक थप्पड़ और खाने उसने अभी, तो फोन खोलो जा रहा है, फोन खोलो यार, चुपचाप से पहन लगा, चल मैं सो गया ये, तब आशी लगाएंगे पहन, देखिए साफ हो गया, चल चल फुल स्पीड में, खेल मत कर बॉबी, सीधा रख तू, ऐसे टेढ़ा मत कर, इस बॉबी की कलाकारी से परेशान है, आशीष का काम करने का मन करने लगा, चल आशीष तो मुझसे करवा भी, आशीष को नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा, फेस इस तरफ रखे पंखे की तरफ, हाँ ये राम क्या होगा आज भी का इनको कुछ नहीं आ रहा, ऐसे पूरा उड़ेल दो एक बार, अच्छा संघनित जल्दी करो, रुकना जल्दी करो भैया, जल्दी से करो, वो रोबोट धीरे धीरे ही डालते बॉबी, वैसे आप कितना तेज कर रहे थे, मुझे सगोर नहीं है ना आशी जैसा, अच्छा क्या बोल दिया आपने, ये काम कराने का तरीका है, तारीफ के साथ साथ तारीफ पे तारीफ, उड़ी
लास्ट में नहीं उड़ता। कैसा लगा ऐसी? ऐसे करते हैं लोग खेतों में काम। मेरी बारी भी है। अच्छा, मैं नहीं करूंगा। अच्छा लगा। हे भगवान, अरे 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 हे भगवान, आराम से। पंखा नहीं गया, ऐसे चमड़ा मत बेटा गेहूं। आशी भैया वहां जरा कट्टा करके देना, मेरे से ज्यादा दूध निकले। आशी भैया, आशी भैया वो भी गेहूं मत देना, चमड़ा मत ऐसे कट्टा करके दो, मेरे से ज्यादा दूध निकलेगी। था नहीं, मेरी दादी बोलती थी बूंद बूंद करके रास, दाने दाने करके आस। चलो, और तू उस दाने को गिरा रहा है। वाह, आशी की कम ड्रामे नहीं। अरे नीचे से भी चलता है वही पंखा। ऐसे तुम नीचे करो, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, गेहूं खराब कर दिए। भैया गाड़ी चला रहे हैं। चलो भाई, किसानी दिखा ली तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गेहूं खराब करने के लिए। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलो, खेतों वाली फीलिंग आ गई बाबू? नहीं तो अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। एक बार काम करेंगे तो ऐसी फील आनी है। एक डेढ़ साल में ऐसा काम करेंगे तो एक ऐसी फील आनी है। हम जैसे किसान लड़के। हाँ, एकड़ जमीन ले लो। एक 15 एकड़ जमीन है मेरे पास। हाँ। सॉरी 500 नहीं 1500 एकड़। फिर बैल नहीं, ट्रैक्टर लेंगे ना। ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं, हेलीकॉप्टर से उड़ाते हैं हम वहाँ पे। एरोप्लेन से नीचे सिंचाई करते हैं हम लोग। ओ भाई, बस कर ले, बस कर ले। वो कहाँ पर है वो तेरा ये मेरे दिमाग में भेज ज्यादा नहीं कम फेंक यार, लपेटा नहीं जा रहा। मैं अरे ये सब सारे खेतों काम मैं धरती घुमा देता हूँ। धरती पूरी मस्त। क्या क्या उगाया तूने अब तक? इतनी जमीन पड़ती मुझे फटक लिया तो बस कॉल करना पड़ता है। हेलो सर, हेलो गॉड प्लीज। अच्छा, मतलब कि तेरे को कृषि पसंद है? कृषि विज्ञान विज्ञानी कृषि करना पसंद है मतलब? यस, ओवर एंड आउट। नमस्कार। आखिरकार मेहनत के बाद गेहूं साफ हो चुके हैं एकदम चकाचक। देखिए कितना सारा कबाड़ा है, ना सारा कबाड़ा। कबाड़े के बगल में साफ गेहूं, बहुत बढ़िया। पंखे का कमाल। ओहो, हाथ से भी किया साफ। खीरा उड़ाया बस। पंखा का कोई कमाल नहीं मतलब? है, खीरा उड़ता ही नहीं है साफ, पर हाथ से नहीं होता वो साफ। ओके, ये तो धूल के जाता है या पंखे से? सही है, गुड, वेरी गुड। ठंडा चावल ठंडा।